दोस्तों आप सभी WWE के फैंस तो होंगे ही, क्योंकि पर ईयर भारत में इस शो WWE को 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आज के न्यू टॉपिक में हम आपको WWE के 5 सबसे खूंखार रेसलर उनकी बिग फाइट के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको उनकी इनकम के भी बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है समरिया, तो स्टार्ट करते हैं BRDS फैक्ट के साथ एक नई शुरुआत। दोस्तों WWE के कुछ रेसलर इस फाइटिंग मैच को खेलकर आज के समय में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इनके साथ ही साथ इनकी इनकम भी हाई फाई हो गई है। तो नंबर 1, दोस्तों आप सभी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि WWE के सबसे खतरनाक प्लेयर ब्रॉक लेसनर हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में 2023 में गूगल ने ये बताया कि ये WWE के सबसे महंगे सुपरस्टार हैं। ब्रॉक रेसलर एक मैच खेलने का करीबन $5 लाख चार्ज करते हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करी जाए तो 4,16,09,250 रुपए लेते हैं। दोस्तों WWE इन्हें साल भर में 90 करोड़ रुपए देता है सैलरी के रूप में। ब्रॉक लेसनर ने अपने रिंग में दोस्तों अंडरटेकर, ट्रिपल एच और जॉन सीना जैसे खूंखार रेसलर को हराया भी है। एक बार इनकी फाइट पे ध्यान दीजिए थोड़ा। नंबर 2, लिटी जासिफ NOI, जिन्हें आप सभी रोमन रेंज के नाम से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रोमन रेंस ने 37 ईयर की उम्र में ही द बिग डॉग के नाम से WWE में मशहूर हो गए हैं। रोमन रेंस के नेटवर्थ की बात की जाए तो $20 मिलियन, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 163 करोड़ रुपए है। दोस्तों पैसा ही पैसा होगा। रोमन रेंस है WWE की तरह से इन्हें साल भर में 41 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। इनकी फाइट देखने के बाद आप सभी यही बोल सकते हैं, रोमन रेंज के सामने कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, हमको सिखा रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, नंबर 3 पर हैं रेडी अर्टन, जिनका पूरा नाम रेडल किट अर्टन है। दोस्तों इन्हें कम मत समझिएगा। क्योंकि इन्होंने 22 साल की उम्र में WWE में एक अच्छा खासा नाम बना लिया था। उसी समय इनकी नेटवर्थ की बात करी जाए तो $4 मिलियन थी दोस्तों, क्योंकि ये आगे बढ़ते चले गए और एक अच्छे खासे सुपरस्टार के रूप में जाने जाने लगे, जिससे इनकी नेटवर्थ भी एक अच्छे खासे सुपरस्टार के रूप में हो गई। इन्हें WWE पर ईयर 38 करोड़ रुपए देता था और मुझे एक भी रुपए नहीं मिलते दोस्तों, क्योंकि मेरे पास नो सब्सक्राइब, नो व्यूज, नो लाइक, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब करते ही नहीं। प्लीज कर लो दोस्तों, हाथ अपना फेंक के मारो अपने फोन पे, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो एक बार और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अब नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच, जो कि WWE में COO भी रह चुके हैं और CEO भी रह चुके हैं। दोस्तों COO सेकेंड रैंक को कहा जाता है और ये WWE के ओनर में से एक है। इन्हें भी कंपनी ईयरली 29 करोड़ रुपए देती है और ये प्रेजेंट टाइम में WWE में मैनेजमेंट संभाल हैं। लास्ट और आखिरी बताने से पहले, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दो यार। वीडियो मैंने 5-6 बार सब्सक्राइब के लिए बोल दिया लेकिन अब तक किसी ने किया नहीं होगा, तो प्लीज कर दो यार। ये देना ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रहे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों, AJ स्टाइल, जो एक WWE के सबसे बड़े प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिनकी फाइट आप स्क्रीन पर देखिए। फैन फॉलोइंग्स आज के समय में लाखों करोड़ों की तादाद में है। इन्हें WWE ईयरली 23 करोड़ रुपए देता है। दोस्तों इन्होंने WWE में काफी कम समय में एक अच्छा खासा नाम बना लिया। दोस्तों मैंने काफी बोला ना कि कॉफी पीने वाली मत समझना, मैंने थोड़े समय में इन्होंने अच्छा खासा नाम बना लिया। तो अगर आप भी चाहते कि हम भी अपना नाम बनाए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहें। मैं अगली टॉपिक और भी ज्यादा मजेदार लेके जाऊंगा, इससे भी ज्यादा अच्छा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।